तो बच्चों कैसे हो सभी, होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है क्लास सिक्स सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है स्केयर एंड स्केफ्ट। स्केयर एंड स्केफ्ट, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने स्केयर एंड स्केयर रूट में क्या चीज पढ़नी है मैं उसके बारे में बताऊंगा। क्या क्या है हमारे पास? फर्स्ट हमारे पास आता है स्केयर। क्या होता है? डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ स्केयर। फिर उसके बाद सेकंड आता है परफेक्ट स्केयर। क्या होता है? ठीक है। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमारे पास जो आता है वो है स्केयर रूट। स्केयर रूट। फोर्थ हमारे पास आता है कि स्केयर रूट निकालने के मेथड्स, मेथड्स ऑफ स्केयर रूट। और इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं, पहला मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। उसके बाद बी पार्ट आता है डिवीजन मेथड, ठीक है जी। तो अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको टॉपिक्स का पता लगता जाएगा कि टॉपिक क्या क्या है। और पहले कुछ जो छोटे टॉपिक है वो तो बिल्कुल नॉर्मल से आ रहे हैं, तो बाकी का जब हम मेथड्स के बारे में पता करेंगे कि मेथड्स कौन कौन से हैं और कैसे हम लोग स्केयर रूट फाइंड आउट करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो कौन कौन से टॉपिक होगी वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हमारे इसके अंदर कवर होंगे, ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो है स्केयर। अब अच्छा जी, स्केयर का मीनिंग क्या होता है? आपने सबसे पहली बात जब आपको पढ़ाया जाए स्केयर, तो आपको पता होना चाहिए स्केयर है क्या और कौन सा स्केयर। तो यहां पे हमारे पास ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट एक स्केयर आएगा आपके पास एलजेब्रा वाला और दूसरा आता है ज्योमेट्री वाला, ठीक है। तो एलजेब्रा का जब होगा तो वो आता है टू। एलजेब्रा में अगर बात की जाए स्केयर की तो वो टू होता है, तो अगर ज्योमेट्री की बात की जाए वो आती है हमारे पास शेप, ठीक है। तो हमने जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, ठीक है जी। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि स्केयर क्या होता है। चलो तो ये हमारा टॉपिक है आज का स्केयर। सबसे पहली बात, स्केयर होता क्या है? पावर टू, याद रखो पावर टू ऑफ नंबर। मीन्स कि एग्जाम्पल देखिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है 5, तो 5 की पावर 2, ठीक है। मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25, ठीक है। अगर 7 का स्केयर बोला जाए 7 की पावर 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49। 11 का स्केयर किया जाए 11 मल्टीप्लाई बाय 11 125। 17 का स्केयर किया जाए तो 17 मल्टीप्लाई बाय 17 दैट इज 289। 31 का स्केयर किया जाए तो आपका आता 31 मल्टीप्लाई बाय 31 दैट इज 961, ठीक है। तो आपको स्केयर्स जो है वो आने चाहिए, बेसिक स्केयर्स, मिनिमम कम से कम स्केयर्स जो है आपको 50 तक आने ही चाहिए, ठीक है। तो
आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप स्केयर पढ़ो, सबसे पहली बात आपको स्केयर का मीनिंग पता होना चाहिए और स्केयर कहां तक पढ़ने हैं ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कि परफेक्ट स्केयर क्या होता है। परफेक्ट स्केयर, परफेक्ट स्केयर, परफेक्ट स्केयर क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई एक नंबर लेते हैं कि अगर कोई हम एक नंबर ले रहे हैं लेट अस सपोज 20, ठीक है, तो आप इसको जब काटते हो तो आपका यहां पे बनता है ऐसे फैक्टर्स बनते हैं, मतलब कि आपके पास आ रहे हैं 2 × 2 × 5। अब यहां पे देखना बच्चा, यहां पे एक पेयर बन रहा है लेकिन दूसरा सिंगल है, ठीक है, तो दूसरा सिंगल होगा तो अगर आपके पास कोई एक नंबर है उसको परफेक्ट स्केयर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? तो आपने सीधा उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है जिसका पेयर नहीं होगा। तो जब हम इसका भी पेयर बना देंगे तो ये कितना हो गया, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, 25 × 100। अब देखो ये 100 बन रहा है, ठीक है, और 100 किसी का परफेक्ट स्केयर है और उसका परफेक्ट स्केयर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या चीज करते हो कि यहां पे ये सिंगल हो जाएगा और ये भी सिंगल होगा, तो 5 × 10, तो 10 को अगर आप 10 × 10 करते हो तो आपके पास 100 आता है, मतलब कि 10 का स्केयर 100 आएगा, ठीक है, समझ आया। तो ऐसे परफेक्ट स्केयर बनाते हैं। अगर किसी नंबर का, जैसे मैंने आपको ये चीज बताई थी कि क्या आपके पास ये वाला नंबर है तो इसके जो है फैक्टर हमारे पास ये बने, तो जब किसी नंबर के फैक्टर्स पेयर में नहीं आएंगे वो परफेक्ट स्केयर नहीं होगा, लेकिन जब किन्हीं नंबर्स का जो फैक्टर्स बनाए जाएंगे वो पेयर्स में आएंगे तो वो क्या होंगे, परफेक्ट स्केयर कहलाते हैं, ठीक है जी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्केयर रूट। स्केयर रूट, अब स्केयर रूट क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब स्केयर रूट क्या होगा कि जैसे हमारे पास एक नंबर है 5, मतलब आप ये ले लो कि 25 एक नंबर है, तो 25 किसका स्केयर रूट है, तो आपने देखा 25 किसके टेबल में आता है, आपने इसके फैक्टर बना देने हैं 5 × 25, 5 × 5 था और 5 × 1 था, तो ये फैक्टर बन के 5 × 5, दैट मींस ये 5 का स्केयर है। तो जब स्केयर इस साइड जाएगा तो ये 25 का रूट कर देंगे तो ये 5 आ जाता है, मतलब स्केयर रूट ऑफ 25 जो होगा वो 5 आएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है, इजी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल कि जैसे हमारे पास 36 है, अब 36 किसके टेबल में आता है, 36 को पहले 2 से करोगे, 2 × 18, 2 × 9, 3 × 3 और 3 × 1, आपने इसके देखने क्या बन रहे हैं 2 × 2 × 3 × 3। अब देखो यहां पे पेयर्स तो बन रहे हैं, है ना, पेयर बन रहे हैं, अब इन पेयर को आपने एक एक में कर देना है सिंगल सिंगल, तो यहां पे क्या आ रहा है 2 × 3 = 6, मतलब 36 जो है 6 का स्केयर रूट है, मतलब 6 को अगर हम स्केयर करेंगे तो हमारे पास 36 आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्केयर रूट, हमारा टॉपिक मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्केयर रूट।
मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, अब बच्चा ये चीज ध्यान में रखना, ये पढ़ना कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एक बात, आपका फर्स्ट मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ठीक है, ये देखा इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों इस मेथड का नाम डाला गया है, रीजन बिहाइंड कि हम इसमें क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक नंबर है 144, तो आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। और याद रखना, हमेशा जब भी आपको मेथड बोला जाए प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट मींस आपको प्राइम नंबर से ही फैक्टर्स बनाने हैं, और हमेशा फैक्टर्स जो होते हैं ना प्राइम नंबर्स के ही आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला नंबर 2 72 144, 236 72, 218 36, 29 18, तो 33 9 और 31 3। तो इसके फैक्टर आ गए कि 144 जो है, रूट 144, रूट 144 जो होगा इसके किस किसके फैक्टर बनेंगे, इसके फैक्टर लिख दो सारे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या करना है, देखना है ये पेयर्स में है किस में। अब जब ये पेयर में होगा तो आपने ये चीज लिखनी है, जो पेयर वाले होंगे उनको सिंगल सिंगल लिख देने हैं, रूट ऑफ ऐसे कर दो। देखो पहले सारे को 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर इसके रूट्स जो होंगे वो अलग कर दो, रूट 2 का स्क्वायर इंटू रूट 2 का स्क्वायर इंटू रूट 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 टू द 4, 4 3 इज 12। तो 144 जो स्क्वायर रूट होगा वो आएगा किसका, 144 किसका है, 12 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपको मैंने बताया तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये बताया गया है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिवीजन मेथड, किसके अंदर, मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ रही है, नेक्स्ट एग्जांपल और नेक्स्ट मेथड। एग्जांपल है 151315 1321, मेथड का नाम है डिवीजन मेथड 151321। ठीक है, अब डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे प्राइम फैक्टर कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में आपको बताऊं। तो बच्चों जैसे जो चीजें मैं पढ़ाता जा रहा हूं रिलेटेड टू योर एग्जाम, तो आप लोग साथ साथ में तैयारी कीजिए, अगर साथ साथ में तैयारी करोगे तभी जाके आपकी जो है सैनिक स्कूल जेएनपी आरएमएस पे सिलेक्शन हो सकती है, अदरवाइज आप बोलो एक मंथ में तैयारी होगी तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डिविजन मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चा जी आपने देखना है कि कौन सा नंबर यहां पे लिखा जाए जिससे आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 15 आए, नहीं तो 15 से छोटा आए, ध्यान रखना। अब 3 से किया तो 3 3 9 आता है, कितना बच गया यहां पे, कितना बच गया 6, तो यहां से दोनों नीचे ले जाओ। नेक्स्ट स्टेप में जो हमने पहले लिया होगा वो डबल हो जाएगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 3 + 3 6। ठीक है, तो अब देखो अब इसके साथ में कौन सा नंबर लिखोगे तो वो आप यहां पे भी लिखोगे तो आपके पास इसके करीब आना चाहिए। जैसे 6 9 लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 9 करके 9 9 = 81,
18 कैरी, 6 9 इज 54, 54 और 8 62। अब ये बड़ा हो गया, तो आपने करना है 68 से 8 से 8, 8 8 का 64, 4 6 कैरी, 8 6 का 48, ठीक है, 48 और 6 कितना हो गया, 48 और 6 54। तो हम 8 यहां पे भी लिखेंगे और 8 यहां पे भी लिखेंगे, तो यहां पे आ गया 544, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आया, यहां पे 13, 13 में से 4 गए तो यहां पे आ गया आपके पास 9, यहां पे 0 हो गया, यहां से इधर कैरी लेंगे 10, 10 में से 4 गया 6, तो ऊपर से 21 उठा के नीचे, तो अब जो यहां पे 68 लिखा था, जो 8 लिखा है वो डबल हो जाएगा, लेकिन जो प्रीवियस नंबर होगा वो डबल नहीं होगा। तो यहां पे आ गया 8 2 16, तो 1 यहां पे आ गया, तो 7 6। अब 7 6 इसके आगे क्या चीज लिखोगे, क्या लिखोगे कि आपके पास यहां पे भी वही नंबर लिखो ताकि आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास सेम आए। तो आपने लिखा 7 6 9, लिखोगे साथ में 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 9 सा 81, 18 कैरी, तो 9 6 सा 54, 54 और 8 62, 2 6 कैरी, 9 7 सा 63, 63 और 6 69। तो आप 9 यहां पे भी लिखोगे, 9 यहां पे भी, तो आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो ये जो नंबर होगा, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द किसका, 151321। तो बच्चा यहां पे हमारा जो है सैरिक स्कूल चैप्टर नंबर 3 मैथ्स, और चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसका इंट्रोडक्शन जो है वो खत्म हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा, उस वीडियो लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे जो आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू स्क्वायर रूट, रिलेटेड टू परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर का किसी को कंसेप्ट नहीं आ रहा है, या परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, या स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर बच्चा किसी को भी डाउट आता है तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करना।